नमस्कार, मैं हूं राहुल लकी लेन से और आज मैं आया हूं नागलोई किरारी उत्सव फर्नीचर एंड इंटीरियर्स। तो आइए हम आज जानेंगे कि ये मतलब फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए ये क्या क्या मशीनें यूज करते हैं, किन से लेते हैं और ये क्या इनका प्रोडक्ट है। तो हम सारी बातें आपसे करेंगे, सारी चीज़ें दिखाएंगे आपको कि कैसे इनका फर्नीचर किस तरीके से काम करते हैं, किन मशीनों से क्या करते हैं। मेरा नाम पुनित गर्ग है सर जी। और ये आपने कब काम शुरू किया इसका फर्नीचर? इस काम को स्टार्ट किए सर हमें लगभग 5 साल हो गए हैं। हमने मशीनें सतीश जी से परचेज की हैं, परफेक्ट टूल्स, सतीश जी परफेक्ट टूल्स। ओके। तो क्या क्या मशीन है, ये कौन सी मशीन है, ये आप कौन सी मशीन बताएंगे? इसे ऑटो एज बेंडर बोलते हैं सर, थ्रू फिट या ऑटो एज बेंडर। अच्छा, इस मशीन का काम टेप लगाने का है। ये ऑटोमेटिकली टेप लगाती है, ट्रिम करती है, उसे फिनिश करती है, निकाल देती है पीस को। इस मशीन को आपने कब परचेज किया उनसे, सतीश जी से? इसे परचेज किए लगभग 3 साल हो गए हैं सर हमें। ओके, तो इससे प्रोडक्शन में कोई फ़ायदा या आपको कुछ नज़र आता है कि पहले जो काम करते थे और अब जो करते हो इस मशीन से, उसमें कुछ फ़र्क नज़र आता है आपको? सर जो काम पहले करने में हमें 1 घंटा लगता था, वो ये मशीन 10 मिनट में कर देती है और उससे ज़्यादा अच्छा फिनिश करके निकालती है। तो ऑटो एज बेंडिंग मशीन है, आपने देखा जो मॉडल है कि GE1610 स्मार्ट। तो जैसे पुनीत सर ने बताया कि एक ऑटो एज बेंडिंग मशीन है और एक फर्नीचर इंडस्ट्री में इन्होंने किस तरीके से इसको यूज किया, ऑलमोस्ट 2 साल, कितने साल बताया आपने? 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो गए हैं और 3 साल से इनकी प्रोडक्टिविटी, जो ये काम 5-6 दिनों में करते थे वो 1 दिन में करते रहे। अब हम बात करेंगे दूसरी मशीन के बारे में। पुनीत सर, ये कौन सी मशीन है, ये शायद इसको CNC राउटर बोलते हैं? बिल्कुल सर, ये मशीन का मॉडल है CR100, CNC राउटर बोलते हैं। ये बेसिकली डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। अच्छा, डिजाइनिंग के लिए, जो हम लोग आजकल 3D वर्क देखते हैं मंदिरों में या और बहुत सारी चीज़ों में देखते हैं, वॉल पैनलिंग में, तो वो सारा डिजाइनिंग इस मशीन से की जाती है। मतलब अगर आपको कोई डिजाइन क्रिएट करनी है या मतलब जैसे कि एक कुछ डिजाइन बनाना है 3D, जैसे हम 3D बोलते हैं सर नॉर्मली, चाहे हम आपकी इसकी आपकी पिक्चर स्कैन करके हम पूरी पिक्चर निकाल सकते हैं आपकी इस मशीन से MDF के ऊपर। इनके दूसरे फैक्ट्री में हम आए हैं और इनका जस्ट बगल में ही है और यहाँ पर इन्होंने अभी कटिंग, यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर दूसरे फैक्ट्री? यहाँ पर सर मेनली कटिंग का वर्क होता है, जो भी बोर्ड वगैरह हम लोग काटते हैं वो यहीं पे काटते हैं। उसके लिए हमने एक कटिंग मशीन लिया सतीश जी से ही। अच्छा, इसको पैनल सॉ कटर बोलते हैं। इसको लगाने से ये बेनिफिट मिलता है, आपका पीस बिल्कुल सीधा और गुनिया में कटता है। अगर आप नॉर्मली देखते हैं जो घर में कारपेंटर्स वर्क करते हैं, वो हैंड कटर से काटते हैं और वो सीधा नहीं कट पाता, उनको उस पर बार बार रंदा लगाना पड़ता है। इसको लगाने के बाद आपको रंदा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल आपको फिनिश काटेगा और सीधा काटेगा पीस। मतलब काम बहुत फास्ट भी करेगा। आप इसमें एक बार में 3 गेज बांध सकते हैं। 3 गेज, वो कौन कौन? 3 अलग अलग साइज के बोर्ड एक बार में काट सकते हैं, मतलब आपको बार बार साइज चेंज करने की जरूरत नहीं, आप एक बार में 3 साइज बांध सकते हैं अलग अलग। मतलब इस पे ही अगर आपने सेट कर दिया कि 3 साइज की, एक यहाँ से एक वहाँ से, बिल्कुल। तो फिर ये मशीन आपने कब परचेज की है? ये सब मशीनें हमने साथ में परचेज की थी लगभग 3 साल पहले। पूरा एक सेट ही लिया था आपने, जैसे कि वो अपना ऑटो एज बेंडर, पैनल सॉ कटर और CNC राउटर। तो ये एक नॉर्मल जो फर्नीचर लोग बनाते हैं और एक जो आप बना के दोगे, तो दोनों में फर्क तो बहुत रहेगा, क्योंकि फिनिशिंग का फर्क आएगा सर। फिनिशिंग का भी फर्क आएगा, लाइफ का भी फर्क आएगा, बनावट का भी फर्क आएगा। ये पीस बिल्कुल सीधा होगा, मतलब जैसे नॉर्मली घर में बनाते हैं वॉल के हिसाब से बनाते हैं, हमारा पीस होगा बिल्कुल स्टैंडर्ड सीधा होगा, उसमें गुनिया में कोई फर्क नहीं होगा। बिल्कुल, सर ने बताया कि कैसे एक पैनल सो मशीन के बारे में क्या क्या फ़ायदा है और किस तरीके से ये काम करती है, और काम का क्या है इसमें कि आपको 2 से 4 दिन का समय तो वो जो नॉर्मल जो फर्नीचर का काम करते हैं उनसे तो बेटर है कि एक मशीन आप परचेज करें और फिर आप उसी हिसाब से आप अपना काम करें, जिससे फिनिशिंग सही आए। फिनिशिंग भी सही आएगी सर, प्रोडक्शन भी सही आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रोडक्शन बहुत सही आएगी, आपका मैन पावर बचेगा, आपका टाइम बचेगा। तो टाइम बचाना है तो आपको एक मशीन, कोई भी फर्नीचर इंडस्ट्री हो या मॉडुलर फर्नीचर इंडस्ट्री हो, किसी के लिए भी अगर आपको एक परफेक्ट काम करना है तो परफेक्ट टूल से मशीनें लेनी पड़ेगी आपको। नमस्कार, मेरा नाम पुनित गर्ग है, मेरी फर्म का नाम उत्सव फर्नीचर एंड इंटीरियर है। हमारी फर्म फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है ऑलमोस्ट 5 साल से। सतीश जी से हमने गौरसेन कंपनी की मशीनें खरीदी हैं ऑलमोस्ट 3 साल पहले।
हमें ये मशीनें यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं। इनसे हमारी प्रोडक्शन में और फिनिशिंग में बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट मिली है हमें। हमारा काम बहुत जल्दी होता है। बेसिकली हमारी कंपनी जो है वो मॉड्यूलर फर्नीचर बनाती है जो हमारे शोरूम्स पे बिकता है, जो आप रेडीमेड शोरूम्स देखते हैं जिन पे आपको अलमीराज, वार्डरोब्स, टीवी यूनिट्स, बेड्स मिलते हैं, वो हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चर होते हैं। सतीश जी की सर्विस मशीनों की बहुत अच्छी है, आपको बहुत टाइम से सर्विस मिलेगी। मशीनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही नहीं रहती हैं उनकी, गौरसैन कंपनी मशीनों में बहुत जल्दी प्रॉब्लम्स ही नहीं आती है।